एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपको जिस भी जगह पे, जिस भी सिचुएशन में रखे हुए हैं, उससे बाहर निकाले और अच्छी सिचुएशन में ज़रूर डाले। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी इस वक्त जब आप देख रहे हो राइट नाउ करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और रीडिंग को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि लोगों के पास वीडियो जरूर पहुंचे। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं। स्लो सॉल्यूशन, डिजर्व लव, ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो लेट थोड़ा सही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा सही होने के लिए। मे बी आपकी पर्सन जो है वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, या फिर वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से एक पर्सन को एक्टिव होना चाहिए एक रिलेशनशिप को संभालने के लिए, वैसे ही उनकी सिचुएशन है नहीं। कोई सिचुएशन के मारे हैं या फिर कोई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, इसीलिए वो कोई डिसीजन आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा मुझे चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं प्यार, उनको ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया हो बट आई डिज़र्व लव, तो मुझे नफरत मत करना, तो मुझे प्यार ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारे प्यार की वजह से आज मैं इतना बदला हूँ और जितना भी मेरे अंदर चेंज रहेगा मैं जो है और ज़्यादा बदल जाऊँगा या फिर बदल जाऊँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बदले हैं एक ही और एक ही चीज़ के वजह से, आपके प्यार के वजह से। इसलिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके, इसीलिए बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस उनके अंदर है आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेज करते हैं लोगों के सामने, दुनिया के सामने, ठीक है। वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं आपको प्रेज करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए। गाइस देख रहे हो वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, ठीक है। तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि आप एक्चुअली में क्या थे और उनके लाइफ में क्या थे और उनके लाइफ को आपने कितने संवारा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि डिज़र्व करते हैं कि आप उनको प्यार करो, वो उनको फील होता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, चाहे मैंने जो भी किया हो लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ़ है, मैं डिज़र्विंग हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना, मुझे प्यार करना। सल्यूशन में जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ, स्लो सल्यूशन है मेरी तरफ से, ठीक है, बट मेरा जो है फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं। वो आपको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, उनके दिल में काफ़ी हद तक आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन क्या होता है ना कि वो बेचारे हैं, समय के मारे हैं, और वो सही समय पे सही फैसला कभी भी नहीं ले पाते हैं। तो इसी वजह से आपका रिश्ते के ऊपर इतना ज़्यादा ही खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए आप दोनों इतने तकलीफ से गुजर रहे हो, ठीक है। देखो आपकी पार्टनर और एक चीज़ उनको है कि वो फील कर रहे हैं या फिर वो बोलना चाहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ, मुझे बहुत एक अटैचमेंट फील होती है। वो आपसे अभी तक अलग नहीं हुए हैं, डिटैच नहीं हुए हैं, उनको वो एक लगाव आपके साथ है। जब कोई एक इंसान के साथ लगाव होता है बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को भूलना, तो वो आपको वैसे तो नहीं भूले हैं और ना ही वो आपको इतनी जल्दी भूलेंगे या फिर भूल पाएंगे, सोचा नहीं है आपको भूलने के लिए। और अटैचमेंट जब एक इंसान से होता है तो उसकी याद आ ही जाती है, उससे बात करने का मन ही भी करता है। वो किसी से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो किसी से हेल्प ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए, उनको ये फील हो रहा है कि मैं किसी से हेल्प लूँ और सोचूँ कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में, मैं क्या कर सकता हूँ इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ज़रूर एक बार इस रिश्ते को लेके
दोबारा सोचना चाहिए। तो वो किसी से हेल्प ले रहे हैं इस रिश्ते के बारे में कुछ डिसीजन लेने के लिए, हालांकि नहीं लेना चाहिए। अगर दिल बोल रहा है तो उनको ज़रूर करना चाहिए जो मन कर रहा है उनका, लेकिन कभी कभी उनको फील ये हो रहा है कि कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो कुछ अपनों के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ थोड़ा डिस्कशन कर लूँ, ताकि जो है अगर कुछ हो सके वो मुझे कुछ अगर सही सजेशन दे सके, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान हो चुके हैं। वो आपसे अटैच्ड तो हैं, उनका आपके साथ लगाव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, एक फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, तो उनके लिए बहुत भारी है। उनके लिए ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें नहीं हैं। किसी के साथ आप यहाँ अटैच हो लेकिन उससे बात नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत दर्द भरी चीज़ होती है। तो उनके लिए वही सिचुएशन है, और वो शायद सोच रहे हैं कि मैं अभी कुछ ना कुछ ज़रूर डिसाइड करूँ। ये दो नाव पे पैर देना मुझसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मिस भी करूँ और तुमसे मैं बात भी ना करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। या फिर कोई और थर्ड पार्टी है लेकिन मैं दिल ही दिल में तुमको चाहता हूँ, ये भी मुझसे नहीं होगा। तो मुझे एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, मुझे एक परमानेंट एक लाइफ चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना। कहीं ना कहीं ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं दोनों, दो दो चीज़ों को वो एकदम से अप्स एंड डाउन होके। उनको ऐसा लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उसी को ही चूज़ करूँगा या फिर करूँगी जिसके साथ मैं खुश हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डिसीजन मेकर हैं, इस वक्त डिसीजन लेना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं। डिसीजन लेना तो अलग बात होता है, लेकिन डिसाइड करने की जब बात आती है तो ऑलरेडी सामने ऑप्शन होता है कि करना क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे है वही चीज़ कि समय के साथ ये इंसान बदल गए हैं, पहले जैसे थे कहीं ना कहीं समय के साथ ये बहुत बदल गए हैं। ये आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। आपको जितना टेकन फॉर ग्रांटेड में ले रहे थे, अभी शायद सोचने लगे हैं कि वो मेरा एक गलत डिसीजन था, वो मैंने गलत किया था, अभी मुझे थोड़ा और वैल्यू करना है तुम्हारी। तो इस तरीके से समय के साथ हर एक चीज़ में परिवर्तन आता है, हर एक चीज़ में बदलाव आता है। और समय के साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर मुझे काफ़ी हद तक जो है वो बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन मुझे और ज़्यादा खुल के दिख रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली है, और ये सब साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे मैं और एक कुछ चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देखो बेसिकली चीज़ें क्या हो रही है, कि ये पर्सन ना कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा बहुत खोने लगे हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कोई चीज़ के बारे में अगर बहुत सोचते हैं तो उस चीज़ में वो बहुत खोने लगते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत हैवी होने लगता है। उस चीज़ की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं या फिर परेशान होने लगते हैं। कुछ भी बहुत चीज़ें माइंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होने लगती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोचने लगे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में उनका एक वो दिमाग में छवि बनाने लगे हैं।
गाइज लाइक द वीडियो, अगर देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट ड्रॉप ज़रूर कीजिए। तो आपकी जो छवि है उनकी नज़र में, वो दिन ब दिन कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। वो आपको भूलने की बजाय वो ज़्यादा आपसे अटैच होने लगे हैं, वो ज़्यादा आपके साथ जुड़ने लगे हैं, और ये जो जुड़ना है ना, उनके ऊपर बहुत हैवी पड़ रहा है। वो आपसे दूर अगर गए थे कोई और चीज़ के लिए, उनका वो मकसद चाहे कितना भी पूरा क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो अपने आप को बहुत कटा कटा महसूस करने लगे हैं। वो फील करने लगे हैं कि मेरे लाइफ का एक पार्ट जो है वो डेफिनेटली खोया है। जो चीज़ मैं जिसके साथ खुश था, मैंने खुद ही पुश कर दिया उस इंसान को मुझसे दूर जाने के लिए। अब अगर वो इंसान मुझसे दूर चला गया है तो उसके बिना रहना मेरे लिए क्यों मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि इन चीज़ से पता चल रहा है कि वो कितने ज़्यादा ही एडिक्टेड हैं आपको लेके, कितने ज़्यादा ही उनके दिमाग में आपकी बातें चलती रहती हैं। सिर्फ आपके नहीं, मैं बोलूँगी कि जो भी उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, उस इंसान की, या फिर जो भी उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है उसकी भी। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपके लिए भी वो फीलिंग्स उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ चीज़ें वो आपको टेलीपैथी कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, या फिर इनडायरेक्टली कुछ कुछ चीज़ें वो आपको किसी के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि या फिर किसी के थ्रू वो आप तक कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कॉल करें या फिर मैसेज करें या फिर खुद ही मिलने के लिए आए। लेकिन ये इंसान सीधे रास्ते को नहीं देखते हैं, ये अपना रास्ता देखते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन अलग है, ये अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो हाईली, ये एक ऐसे इंसान है कि सीधे सीधे काम करना पसंद नहीं करते हैं। ये दो नंबर वाले हो सकते हैं, दो नंबर वाले बहुत सीक्रेटिव होते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है 11 है, ये नंबर ना बहुत ज़्यादा ही 20 है, बहुत सीक्रेट सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, बहुत सीक्रेट है। तो हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ 2 भी हो, ठीक है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनको अट्रैक्शन भी है आपसे। देखो, अट्रैक्शन वर्ड को ना लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि उस इंसान को मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, और उसी चीज़ की वजह से वो मेरे इर्द गिर्द है या फिर मेरे साथ रहना चाहता है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, क्योंकि एक रिश्ते में रहने के लिए प्यार और अट्रैक्शन दोनों चीज़ की ज़रूरत है। प्यार उनको धीरे 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 समझ आ रहा है कि हाँ, ये रिश्ता मेरे लिए उपयुक्त था, सही था, मुझे इस रिश्ते में रहकर ही अपने लाइफ को अच्छी तरीके से चलानी थी, ठीक है। और एक चीज़ है, ये अट्रैक्शन ही एक चीज़ है, खिंचाव भी है। दोनों चुंबक कैसे होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए जुड़े हुए रहते हैं। तो ये अट्रैक्शन उसी चीज़ का काम करता है, ठीक है। अब वो अलग चीज़ है, कुछ लोगों का एक सेक्सुअल या फिर फिजिकल अट्रैक्शन होता है, लेकिन एक सोल टू सोल अट्रैक्शन जो है वो कभी फेडअप नहीं होता है या फिर कभी ख़राब नहीं होता है। तो उनका जो आपके लिए अट्रैक्शन है, वो कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है या फिर फेशियल अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल अट्रैक्शन है, जिसके साथ वो मतलब इमोशनली आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस चीज़ की वजह से वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं, और उसी चीज़ की वजह से वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि उनको अगर आपके लिए वो सोच रहे हैं, वो किस तरीके से सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा देखो, समाज, अगर आप दोनों दूसरे कास्ट के हो, समाज में आप दोनों का कास्ट अलग है या फिर आप दोनों का परिवार अलग है, तो कहीं ना कहीं मेहनत थोड़ी लगेगी इनको, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा आपको दूसरे लोगों के सामने लाने के लिए। अगर स्पेसिफिक यहाँ पे कास्ट इशू के वजह से हो या फिर थर्ड पार्टी की इशू के वजह से हो, कुछ चीज़ें, अगर आपका रिश्ता हिडन है और आपको चाहिए कि मेरा ये रिश्ता पब्लिकली ओपन हो और मुझे अपना हक चाहिए, तो उनको समय लगेगा आपको अपना हक देने के लिए, उनको समय लगेगा थोड़ा और मैच्योर होने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये इंसान के अंदर जो हिम्मत है वो बहुत कम है, वो अपने हिम्मत को जुटाने के लिए समय लेंगे। लेकिन ये हार मानने वाले इंसान नहीं है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान
कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करेंगे, कुछ ऐसा सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा चीज जरूर करेंगे। ठीक है, देखो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कितने दिन में आएंगे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि आएंगे कितने दिन में, तो आ तो जाएंगे वो। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, 10-15 दिन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक होता है ना कि कुछ ईगो जो है रास्ता रोक के बड़ा रखता है, तो उस ईगो को ही ये तोड़ने के लिए उनको समय लगेगा। एक बार उनका ईगो टूटेगा ना, तब आने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। आपका रीयूनियन कब तक होगा देखते हैं। कोई आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई मदर इशू है, इनकी मदर रेडी नहीं हो रही है, या फिर कुछ फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, करियर सेटलमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरीके का कुछ इशू है। तो आपकी रीयूनियन में वक्त लगेगा, ऐसे मतलब बहुत जल्दी यूँ चुटकी बजा के तो रीयूनियन नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक्शन, लाइक कर दे वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक्शन 10-15 दिन के अंदर आपको दिख जाएगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। रीयूनियन चाहे जितना भी दिन लगे, अगर आपको एक पर्सन का थोड़ा सा भी एक्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा आया है तो कल और ज़्यादा आएगा और एक दिन पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।